नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप हिंदी YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 29 फरवरी करंट अफेयर्स 2024। तो महत्वपूर्ण आप सभी के लिए यह वीडियो होने जा रही है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर आज की इस वीडियो में हम आप सभी के बीच रखेंगे, तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो जो नए संसद भवन में कितना मंजिल यहाँ पर इमारत है, तो उसके लिए आप सभी को यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे, जो कि पहला 6, 4, 8 या 5। आप सभी का जो सही आंसर होगा यह होगा 4। तो 4 मंजिला यह इमारत संसद भवन की बनी हुई है। तो वहीं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, तो इसके लिए आप सभी को जो समिति का कक्ष है संसद भवन में, उसके लिए ऑप्शन होंगे 4, 5, 6, 7। इसका तो सही आंसर होगा 6। तो जो संसद भवन है उसमें जो समिति के कक्ष हैं उसका जो निर्माण किया गया है उसका सही आंसर होगा 6। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी, तो जो जो नया संसद भवन बना है उसकी आधारशिला रखी है वह ऑप्शन होगा 26 जनवरी 2021, दूसरा ऑप्शन होगा 15 अगस्त 2019, तीसरा ऑप्शन होगा 10 दिसंबर 2020 और चौथा यहां पर ऑप्शन होगा 28 दिसंबर 2018। तो उसका इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा यहां पर तीसरा वाला, जो होगा 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला संसद भवन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है, तो इसका जो आप सभी को ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो यहाँ पर हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन और लार्सन एंड टूब्रो और गैलम इंडिया, और यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन होगा HCP डिजाइंस। तो इसका सही आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि चौथा होगा HCP डिजाइंस। तो इसका सही आंसर जो डिजाइन संसद भवन का जो नया संसद भवन बना है उसका डिजाइन HCP डिजाइंस ने किया है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है, तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कोलकाता, लखनऊ, नई दिल्ली, हैदराबाद। तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन थे, तो इसके लिए आप सभी को ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जो कि पहले नंबर पर होगा फिरोज बुर्ज साहबा, बिमल पटेल, चार्ल्स कुरिया और विलियमन एम सर। तो इसकी सही आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पर दूसरा, बिमल पटेल। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो हाल ही में किस राज्य यहाँ पर राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा का बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर जो हरित जो हाइड्रोजन नीति का लागू करने का निर्देश दिया है वह उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा यहाँ पर इसका बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, तो इसके लिए जो प्रजा पालन है यह कार्यक्रम तेलंगाना राज्य ने यहाँ पर सरकार ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो हाल ही में जो वर्ल्ड विजर्ड फूड्स के परिचालन का जो विस्तार करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता हुआ है, तो वह समझौता गुजरात राज्य के सरकार के साथ यहाँ पर समझौता हुआ है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तो कौन सा देश रूसी ईंधन का दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्ट बन गया है, तो यहाँ पर यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, जो कि भारत यहाँ पर महत्वपूर्ण इम्पोर्ट यहाँ पर बन चुका है, जो रूसी ईंधन है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्ट भारत बन चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए थे। तो यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब, अन्य दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना। तो मिलते हैं आप सभी को इसी तरह की नई लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।